हेलो, हेलो। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपके साथ जुड़ा हूं, और इसमें श्रोताओं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट और आईआरडीए के इनिशिएटिव संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट हैदराबाद के प्रिंसिपल डॉक्टर वी के मोहन जी। डॉक्टर मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आपने हमको बुलाया। आपके विविध भारती के द्वारा सभी को ये मैनेजमेंट शिक्षा के बारे में कुछ बात करने के लिए जी धन्यवाद। जी 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 डॉक्टर मोहन जी, वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स या इंजीनियरिंग, किसी भी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद अधिकतर लोगों की ये मनसा होती है, ये विचार होता है कि उनको मैनेजमेंट कोर्स करना है, MBA करना है, और उस ओर जाने के लिए वो प्रयासरत हो जाते हैं। तो इस मैनेजमेंट कोर्स में क्या ऐसा आकर्षण है, क्यों इसकी ओर लोग ज्यादा जाना चाहते हैं? ये बात ऐसा हो गया कि आप जैसे भी स्वतंत्र आने के बाद जी जैसा देश आगे बढ़ रहा है, जी वैसा भी क्या है, सभी जो कोर्सेज जो है जी अर्लियर, वे पहले क्या थे, ज्यादातर इंजीनियरिंग देखते थे या मेडिसिन देखते थे जी या कोई और एक BA, लॉयर, ऐसे छोटे छोटे और जो भी है वैसे ही डिग्री अपन सुनते थे। जी वो भी क्या हो गया, आगे बढ़ने का माहौल जब हो, इकोनॉमी, देश का आर्थिक व्यवस्था बढ़ रहा है जी और सभी को व्यवस्था बढ़ रही है, उपाधि बढ़ रहा है, जी तो उपाधि बढ़ने के साथ सभी आवश्यकता अपॉर्चुनिटीज जी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है। तो क्या हो गया, जो माने या ना माने, हमारे तौर पे विद्या व्यवस्था से वो क्या है, नौकरी का व्यवस्था जुड़ा हुआ है। जी ओके, जो भी पढ़ता है उसका कोई नतीजा कोई नौकरी के बारे में ही सोचता है, जी रिसर्च या उसमें कोई नहीं सोचता। उसकी वजह से क्या हो गया, अगर आप नौकरी में जाके बड़ा संस्था में काम करना वगैरह करना बोले तो जी आजकल, पहले इंडिपेंडेंस के बाद ज्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनियां थे, तो जी उधर डायरेक्ट कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट होती थी और जॉब्स मिलते थे। अभी क्या हो गया, प्राइवेट व्यवस्था बहुत बढ़ गई जी और उसके साथ उपाधि का व्यवस्था भी बढ़ गया। अभी उधर गए तो क्या है, वो हर एक को कैसा जो काम जो करना उसमें तरक्की करने के लिए आवश्यकता देखने का है। जी जी गवर्नमेंट व्यवस्था में क्या रहता है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वो प्रमोशन के हिसाब से इंटरनल मैकेनिज्म से जो भी पब्लिक सेक्टर में होता है, जी मगर बाहर प्राइवेट व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा बताए तो आगे बढ़ेगा, वो कंपनी का भी यजमान या मैनेजिंग डायरेक्टर तक जाने का क्षमता आएगा। जी ये 1970s के बाद जी ये चेंज स्टार्ट हो गया और अभी क्या है, उसका काफी महत्व हो गया कि ये आर्थिक व्यवस्था अपना इकोनॉमी को भी बढ़ा रहा है। जी जी अभी जिधर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, बच्चे लोग या स्टूडेंट क्या देखेंगे, कैसा मैं जिंदगी तरक्की करूं, जी कैसा अच्छा जिंदगी जी सकूं। सो ये आलोचना से काफी लोग हैं, तो किधर जो जल्दी नौकरी मिलती है या कोई अच्छा कंपनी में मेरे को लेंगे, ये सोच विचार पे जी मैनेजमेंट डिग्री काफी क्या है, हेल्प करता है जी इट जी असिस्ट देम इन जी गेटिंग अ बेटर जॉब। ये या नहीं तो क्या है, कोई अकाउंटेंट के हिसाब से ज्वाइन हो गया, वैसे ही कितने साल अकाउंटेंट रहेगा, नहीं रहता। जी वही से वही शास्त्र BCom है, वो MBA किया, वो फाइनेंस में गया, जी अकाउंट्स भी देखेगा, उसके ऊपर से आगे भी बढ़ेगा, एक दिन वो कंपनी का टोटल अकाउंट्स हेड, डिपार्टमेंट हेड बन सकता है। जी और उसकी वजह से सभी को ये मालूम हो गया, केवल नौकरी के हिसाब से ना देखने से, जी करियर करियर बोले तो एक दिशा में आगे कैसा हम बढ़ सकते हैं, जी वो अगर वो करना है तो मैनेजमेंट डिग्री से ही होता है। दूसरी जी बात ये है, वो दिन गए जो एक डिग्री से काम चलता था, अभी एक डिग्री से कोई काम नहीं चलता। जी BA भी लो कोई नहीं अपन को पूछता, टीचर का नौकरी करना बोले तो BD किया MED किया पूछेंगे, ठीक जी जी है। वैसा उसी हिसाब से नेक्स्ट लेवल डिग्री कंपलसरी हो गया सभी को,
जी या बीकॉम वाला एमकॉम करना पड़ता है, एमए वाला एमएससी करना, जो भी है एमएएम, ऐसा कोई ना कुछ दूसरी डिग्री करे तो जी उसका थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी रहती है, बिल्कुल वो बिल्कुल जिंदगी में थोड़ा बहुत रह सकता है, नहीं तो वो कोई उसको नहीं मानेंगे। जी जी अभी उन लोगों का वो हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन देखे तो ये सब्स में पोस्ट ग्रेजुएशन में ये जो मैनेजमेंट डिग्री विच वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जी उसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। इसी वजह से काफी लोग, सभी लोग स्टूडेंट्स जो भी जिंदगी में कुछ कहना करना पाना चाहते हैं या जी करना चाहते हैं जी वो एमबीए के ओर देखते हैं। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर मोहन जी। मैनेजमेंट में दो चीजें सुनाई पड़ती हैं, एक तो एमबीए और एक पीजीडीएम, तो इन दोनों में क्या फर्क है, छात्रों को जरूर जानना चाहिए। करेक्ट करेक्ट राइट। अभी ये एमबीए को ये मानो आज के दिन पे भारत सरकार, मोदी सरकार आने के बाद तो काफी एजुकेशन में थोड़ा बहुत नए चीज लाए, उसमें ये एमबीए डिग्री काफी लोग दे सकते हैं। जी पहले पुराने में ये जो यूनिवर्सिटी वाले भी एमबीए डिग्री देते हैं, जी जी और जो इंडिपेंडेंट बी स्कूल्स जी लाइक बड़े बी स्कूल आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के काफी इंस्टीट्यूट खुले हैं अभी, हर जी एक स्टेट में भी ऑलमोस्ट एक एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के जैसे स्टार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जी जी वो हिसाब से उन लोगों का पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट देने का जी वो अधिकार था। अभी लास्ट ईयर दे हैव चेंज वो रूल्स थोड़ा चेंज करके इवन एक इंडिपेंडेंट बी स्कूल कैन ऑल्सो गिव एन एमबीए, जी जी अगर ये कोई क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल करे तो वो कंडीशंस के हिसाब से दे कैन गिव। तो डिग्री के तरफ से एमबीए यूनिवर्सिटी से मिलती है मास्टर डिग्री, जी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडिपेंडेंट बी स्कूल जी देता है जी जी डिग्री की तरफ, मगर अंतर इधर आता है, कहाँ आता है, अगर देखिए आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में गए तो वो सिलेबस और जो कंटेम्प्रेरी बोलते हैं जी जो आज की व्यवस्था, आज की हिसाब से पढ़ाई होती या नहीं होती उसमें काफी देर होता है। जी जो छात्र यूनिवर्सिटी में एमबीए किया और जो छात्र पीजीडीबीएम या इंडिपेंडेंट एक बी स्कूल में पढ़ाई किया, जी दोनों में सोच विचार और जो देख परखने में काफी अंतर लाते हैं, जी जी ये सिलेबस की वजह से होती है। पीजीडीएम में फ्रीडम ज्यादा रहता है जी पढ़ाने के लिए, सिलेबस चेंज करने के लिए, और जो नई चीज जो आती है, जी एक बात मैं बोलता हूँ, आज के दिन जो भी बात करते हैं, जो भी सभी लोग बोलते हैं एनालिटिक्स 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 बोलते जी हैं, तो अभी यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस देख लीजिए उसमें एनालिटिक्स का बात बहुत कम रहती है, जी वही जो भी पीजीडीबीएम जो ऑफर देता अच्छा बी स्कूल उसमें रहता एनालिटिक्स का चार सब्जेक्ट रहते हैं। जी जी एनालिटिक्स जो करता है वो आगे बढ़ने के लिए काफी जनता आज के दिन जॉब उसमें मिलते हैं, अच्छा तनख्वाह मिलता है पूरा। तो जो कंटेम्प्रेरी बोलते हैं ना आज के दिन के लिए और आगे बढ़ने के लिए कौन सा सब्जेक्ट सीखने का है, जी वो पीजीडीएम जो पढ़ाते हैं वो स्कूल बी स्कूल बोलते हैं जी जी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बी स्कूल्स में मिलता है, जी बाकी के इसमें उतना ज्यादा महत्व नहीं रहता, वो जी बहुत अंतर है। तो कोई भी अगर देखना है, मैं पढ़ रहा हूँ जैसे आप सब कोई आईटी पढ़ रहे हैं, जी जी आईटी बीटेक आईटी और वो भी पुराना जमाने का वर्ड प्रोसेसिंग वो के, तो कोई आपको नौकरी नहीं देगा ना आपको कोई देखेगा भी नहीं। जी जी उसी लीजिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मशीन लर्निंग है वो भी वैसे चीज जो पढ़ रहा है उसको जॉब जल्दी मिलेगा। जी तो पीजीडीएम और ये एमबीए का फर्क इसमें आ रहा है कि ये बी स्कूल देते हैं इंडिपेंडेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी, ऑटोनोमस जी 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 सेल्फ सस्टेनिंग, हमारा इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जी जी हम जी यूनिवर्सिटी से ताल्लुका नहीं रखते हैं और हमारे सिलेबस हम डिसाइड करते हैं, हमारी सिलेबस हमारा जो रिक्रूटर बोलते हैं जो जो नौकरी के लिए आके हमारे छात्र को लेते हैं जी उन लोग बोलते हैं हमारे को ये पढ़ाई है सो वाले हमको चाहिए, अगर आपके पास पढ़ा है तो हमारे को 1 साल पहले बोलते हैं, जी जी हम जी वो सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं, जी सब्जेक्ट को कोई कमी नहीं करते उसको इंक्लूड करके वो भी एडिशनल सिखाते हैं, जी जी तो जी उसको तैयार करते हैं ताकि वो जाके काम कर सके, नाम कमा सके और काम की वजह से अच्छा धन भी कमा सके। वाह तो ये पीजीडीएम एमबीए का ये फर्क होता है, जी 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 इसीलिए सभी लोग को हम बोलेंगे अगर फ्यूचर के लिए अच्छा देखे तो पीजीडीएम इज बेटर। हाँ अभी क्या हो गया ये एमबीए, अभी पीजीडीएम अर्लियर कैसे क्या होता था, अब मैं पीजीडीएम किया अभी मैं पीएचडी करना चाहता हूँ जी जी ओके
और आगे बढ़ना चाहता हूँ MBA मैनेजमेंट में, तो थोड़ा दुविधा तो दिक्कत होती थी इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे आप PGDM किए, मास्टर्स डिग्री नहीं है, है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी इंडिपेंडेंट बी स्कूल्स रहते हैं उनको भी ये अधिकार दिया, वो भी मास्टर्स डिग्री दे सकते हैं। जी ओके, ये हुआ, एक ही साल हुआ, 2019 से इंप्लीमेंट किया हुआ है, पार्लियामेंट के एक एक्ट की तरफ से IIMs के लिए हक दिया है। और AICT जो सभी बी स्कूल्स को देखता है, वो रेगुलेटर है इंस्टीट्यूट का, वो भी लास्ट ईयर के लिए दे हैव गिवन परमिशन दैट दे कैन ऑल्सो गिव MBA एज ए डिग्री एंड बट दे हैव टू फुलफिल सम क्राइटेरिया। नया इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, एक 5-6 साल इंस्टीट्यूट कोई छात्र पढ़ के PGDM डिग्री दे के वो सब करने का बाद यू आर एलिजिबल टू गिव दिस कैंड, यू हैव टू बी फिट फॉर दैट, ऐसे ही कोई डिग्री वो हिसाब से थोड़ा चेंज हो गया। अभी कोई देखने का है तो दे हैव टू सी वेदर आई एम ज्वाइनिंग अ यूनिवर्सिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन और एन ऑटोनोमस बी स्कूल, दैट इज विद द डिफरेंस। वाह, बहुत ही अच्छी तरह और बहुत समझा कर आपने इस विषय इस प्रश्न का उत्तर दिया। डॉक्टर VVK मोहन जी, मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन किस तरह मिलता है, किस तरह की प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं, हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए आप जरूर बताएं। अच्छा, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बोले तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, इंडिया में भी इंस्टीट्यूट है, हर एक इंस्टीट्यूट का एक एक अलग तरीका होता है। जी। प्रवेश करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी लोग बोलते हैं वो डिग्री पास होना चाहिए। थोड़े इंस्टीट्यूट अगर इंडिया में डिग्री पास होने के बाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, बाहर अगर गए US या UK जो भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में गए तो आप डायरेक्ट MBA नहीं कर सकते, कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी। 2-3 साल उस हिसाब से उनका रहता है। और अगर हम नहीं, मैं बाहर पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं MBA बाहर करता हूँ, वो बोले तो उनको एक एग्जाम लेना होगा, वो GMAT ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, वो टेस्ट लेने का है, उसमें अच्छा स्कोर आना चाहिए, 800 मार्क्स का रहता, उसमें कम से कम 700 के ऊपर मार्क्स आ गए तो कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। जी। ओके, दूसरा अगर इंडिया भारत देश के हिसाब से गए तो IIMs के लिए एक टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस CAT बोल के। जी। वो एग्जाम सभी को जो सीरियस है, जो अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ना है वो लिखेंगे। और एक भी टेस्ट है MAT बोल के, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, IIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन वो कंडक्ट करता है। देन देयर इज वन मोर टेस्ट कॉल्ड CMAT, ये टेस्ट CMAT AICT कंडक्ट करती है, जो रेगुलेटर है ऑल इंस्टीट्यूशन का, उन लोग मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। उसके बाद ये हर एक राष्ट्र वो खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी लगाता है। ओके, तो ये कॉमन एंट्रेंस तो स्टेट वाले करते हैं, वो तो ये यूनिवर्सिटीज में भर्ती के लिए है। और जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बाकी का है, हर एक स्कूल एक एक टेस्ट को मान के चलते हैं। एक बात कॉमन सभी के, जो अच्छा इंस्टीट्यूट है वो जो सीरियस है एजुकेशन और इसके बारे में जो कुछ काम करने सीरियस वाले हैं, उन लोग डेफिनेटली CAT को मान के जाते हैं, बाद में MAT को मान के जाते हैं, या CMAT वैसा कॉम्बिनेशन में भी लेते हैं। जी ये कोई भी एक। सो ये तरीका से एडमिशन के लिए फर्स्ट एलिजिबिलिटी, इसमें कोई लिख के स्कोर होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्कोर। मगर ये जो सिलेक्शन जो रहता है काली, ये स्कोर के हिसाब से नहीं होता। वो सब लोग सुना, मेरे को अच्छा मार्क आ गए मगर मैं सिलेक्शन नहीं हुआ बोले तो उसका मानना ये है, उनका प्रोफाइल बोले तो उसका डिग्री क्या है, डिग्री में कितने मार्क्स आए, टेंथ में क्या मार्क्स आए, इंटरमीडिएट और प्लस टू लेवल में कितना मार्क्स आए, और उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, खाली पढ़ाई के बारे में है क्या, और कोई खूबी है इसमें जो बात करने का है, या कोई काम करने का, सोशल सर्विस किया, ये पूरा मान के चलते हैं। वो पूरों का वेटेज रहता है। पहले 15 साल पहले काली स्कोर, मेरे को 100 में 90 आ गया, मेरे को सीट मिलता है। अभी क्या करे, ये जो जितना भी मार्क है उसका वेटेज सभी लोग कम कर दिए। जैसे 100 मार्क्स के लिए सिलेक्शन होता है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए हर एक इंस्टीट्यूट अलग अलग परसेंटेज में मार्क्स देना शुरू किया। जैसे 50% दैट इज एंट्रेंस मार्क्स, कितना 50% मार्क्स, बाकी 50% वो इंडिविजुअल स्टूडेंट का कैलिबर, एक्सपीरियंस या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्रोफाइल, हिज अदर एक्टिविटीज, सम अवार्ड्स, पेपर प्रेजेंटेशन, ये ऐसे काफी चीजों से मिला के मार्क्स मिलते हैं। जी,
उसमें क्या हो गया, एक छात्र कोर में भी थोड़ा एंट्रेंस में थोड़ा कम है होगा तो भी जी, बाकी इसमें अच्छा है तो उसको भी सीट मिलेगा। वाह। हाँ, जैसे एक मान के सबो एक अच्छा कलाकार है, सोचिंग जी जी, एक जी। कलाकार है, एक कलाकार उसको पढ़ाई अच्छा ही है मगर ये स्कोर कम आया हो। जी जी जी, जैसे मैं ये एग्जांपल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही बोला, हार्वर्ड एमबीए में जी जी, एक अच्छा कलाकार को 800 मार्क्स में 600 मार्क है जी, कोई भी बोलेंगे इसको हार्वर्ड में सपने में भी नहीं मिलता उसको जी जी, मगर उसका बाकी का प्रोफाइल कोर का मार्क एक है, बाकी का प्रोफाइल अच्छा कलाकार है और कुछ है, ये इंटरनेशनली ट्रेवल्ड है वैसा, ये पूरा मिला के उसको मार्क ज्यादा मिलकर उसको एडमिशन दिया गया जी, और जी। उसको स्कॉलरशिप भी दिया गया। तो ये सभी लोग ये ध्यान करना, अगर आप सीरियस हैं जी एमबीए करने के लिए, ये मान के चलो कोई मैं अभी डिग्री किया मैं भाग के एमबीए करने का प्रयास मत करो जी जी, आपका प्रोफाइल बढ़ाओ। हुँ. अभी मैं बोला प्रोफाइल, प्रोफाइल बोले तो काम का एक्सपीरियंस हो सकता है जी, आपका मार्क्स कम है, एवरेज स्टूडेंट हूँ मगर मैं अच्छा स्कूल में ज्वाइन होना, दैट मींस यू हैव टू डू समथिंग एल्स, शोकेस योर स्किल्स जी जी, आपका क्षमता जो भी है वो बताओ जी, पेपर में दिखाओ, नहीं मैं एक साल सोशल सर्विस करके ये ग्राम में इतना काम किया मैं जी, ये जी, उसका कोई रिकॉग्निशन है, आगे तो यू विल बी सेलेक्टेड, यू आर डिफरेंट फ्रॉम सो मेनी पीपल जी, वो हिसाब से सोचना है, काली बोलेंगे एंट्रेंस एग्जाम है अच्छा मार्क मिलना मेरे को मिल जाता, नहीं वो हिसाब से मत जाओ, कम आए तो भी दुखी ना होना, बाकी जगह प्लान करके अच्छा प्लान करके प्रोफाइल बढ़ाओ, आपका प्रोफाइल जो कम है जिसमें ज्यादा नहीं है मार्क ठीक नहीं है स्कोर को एवरेज बढ़ाओ जी, जी सर, हमारा ओलंपिक्स में डेकैथलन बोल के एक रेस रहता है जी, जी, उसमें सभी रहते हैं जो पूरे एथलेटिक्स जी, जी, पूरे खाली रनिंग और ये जैवलिन थ्रो ऐसा एक नहीं, डेकैथलन 10 डिफरेंट आइटम्स के ऊपर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना पड़ेगा जी, 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 जिसको गोल्ड मेडल मिलता है वो सभी में फर्स्ट नहीं रहता जी, कोई एक रनिंग में कोई फर्स्ट आता है ये सेकंड आ सकता है, दूसरा इसमें वो पांचवा नंबर आएगा जी, ऐसा 10 का उसका एवरेज देखे तो सबसे ज्यादा वो होगा, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा जी, जी जी जी, ये ध्यान रख के प्रिपेयर करे तो एमबीए अच्छा इंस्टीट्यूट में मिलता है जी, हमारी इंस्टीट्यूट में भी वही है, हम खाली स्कोर को नहीं देखेंगे जी, जी, हम स्टूडेंट को देखेंगे जी, उनसे बात करके उसका क्या क्षमता है, वो सीख के आगे बढ़ने का क्षमता है या नहीं जी, खाली जी, स्कोर के हिसाब से बोले तो सभी लोग नहीं सेट होते, और ये सीख के आगे बढ़ सकता वो अगर ही कैन प्रूव दैट इज केपेबल ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग जी जी, दिस इज अबाउट एंटर काली एवरीबडी भागेंगे एंट्रेंस ये वो पढ़ना ये पढ़ना नहीं, होलिस्टिकली देख लो पूरा देखो, काली एग्जाम काली एंट्रेंस के लिए मत देखो, पूरा एडमिशन प्रोसेस को देखो, उसकी तरफ से प्रिपेयर करो, कमी कुछ है तो उसको फिल करो, काम करो, एक साल के बाद ज्वाइन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंगे आपको आराम से जी जी जी। डॉक्टर वीवीके मोहन जी, जैसे टेस्ट हो जाने के बाद जब एलिजिबल हो जाता है कोई भी स्टूडेंट तो उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि कई बार कई कॉलेज उसके सामने ऑप्शन के रूप में होते हैं कि यहाँ से भी आ गया है वहाँ से भी आ गया है मेरा सिलेक्शन, तो किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, क्या सही क्राइटेरिया होना चाहिए उसका, कैसे हम पता करें कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है हमारे लिए एकदम उपयुक्त है। हाँ, इसके लिए 3 चीज आप देख सकते हैं, पहले आप एमबीए किसके लिए कर रहे हैं, वो उसका आंसर ये है कि मेरा लाइफ अच्छा हो जी, लाइफ अच्छा हो के उसका आंसर ये दैट मीन नौकरी अच्छा हो जी जी, जी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आप कोई भी इंस्टीट्यूट का देखे उनका प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है देखना जी, कैसे लोग को कैसा प्लेसमेंट मिल रहा है जी, एक ऑर्डिनरी वाले आदमी को एवरेज स्टूडेंट को अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है बोले तो वो इंस्टीट्यूट अच्छा है जी, दैट इज इट इज ट्रांसफॉर्मिंग एन एवरेज स्टूडेंट टू बेटर जी जी, जो एकदम ऐसा है जैसे अभी ये दुविधा इसलिए किसको आएंगे, कोई आईएम में एडमिशन मिला उसको कोई दुविधा नहीं, आराम से जाके ज्वाइन हो जाएगा ना जी, जी जी, कोई दुविधा ही नहीं, आईएम में मिल गया बहुत है मेरा जिंदगी बन गई जी, ओके मगर जो सेकंड रंग इंस्टीट्यूट है जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल पूरा आईएम मिला है तो 10,000 लोग को एडमिशन मिलेगा जी, इधर 5 लाख लोग लिख रहे हैं बाकी 4,90,000 को क्या किधर है ऑप्शन दूसरे हैं जी जी, इधर दुविधा होगी इनके लिए, उन लोग ये देखना पहले प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है जी,
हाउ आर दे गेटिंग प्लेस्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट ऑलवेज वी ट्रायल इज व्हाट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जी, अभी एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट है, जैसे पेरेंट्स को भी बोलेंगे अरे मेरे बच्चे अच्छा होने हैं, ये इन लोग 5 लाख का फीस है, उनका 10 लाख का फीस है, उनका 20 लाख का फीस है, क्या है ये 20 लाख का फीस मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे 2 साल में करे तो ये मेरा बच्चा कहाँ तक आगे बढ़ेगा, कितना तक करेगा. वो आरओआई देखने का है, कितना कैसा सैलरी आ रहा है, कैसा आ रहा है. जी, ओके. जिसके पास अच्छा आरओआई है, जैसे 10 लाख फीस है साल 2 साल का, 5 लाख 1 साल का ऐसा है, और उनको 8-9 लाख का सैलरी मिल रहा है. जी जी, ओके, दैट मीन आरओआई ऑलमोस्ट 100% में आ जाता. जी जी, है ना. जी, 2 साल में, 1 साल में उसका पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया वो वापिस आ गया. जी, ये ऐसा जो भी इंस्टीट्यूट है अराउंड 100% लेस अराउंड दैट आर द गुड इंस्टीट्यूट टू कंसिडर. जी 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 जी, that is what is you are paying, how much you are getting. जी, as but वो ऐसे थोड़ी ये सैलरी नहीं मिलेगी ना. जी जी जी, वो अच्छा पढ़ा होना चाहिए उसका सब्जेक्ट. नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द करिकुलम. जी, करिकुलम क्या है, क्या पढ़ा रहे, क्या सिखा रहे, कैसे सिखा रहे, वो पूरा इम्पोर्टेंट हो जाता है. जी, उनका भी सब व्यवस्था क्या है, एग्जामिनेशन व्यवस्था हो, पढ़ाने का व्यवस्था हो, कितना सीरियस है बच्चों के लिए, क्या सिखा रहे, बच्चे को कुछ मालूम हो रहा नहीं मालूम हो रहा, पेडागॉजी बोलते हैं वो क्या है, केस मेथड है, नॉन केस मेथड है, एक एक्टिविटी है, इंटरनल असेसमेंट क्या है, दैट इज करिकुलम. जी जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर करिकुलम्स एवरी टाइम. करिकुला यू हैव टू कंपेयर. जी जी जी, जैसे कोई भी बी स्कूल जो PGDBM का बी स्कूल रहता है उनका करिकुलम लास्ट ईयर, अरे मैं ये पढ़ा बोलने वाले, ये साल वो नहीं पढ़ता, दूसरा कुछ नया पढ़ता है. जी जी जी, चेंज होते रहता है, अपग्रेड होते रहते हैं. तो उसके हिसाब से करिकुलम मेन इम्पोर्टेंट है. जी जी, थर्ड इज द फैकल्टी. दीज आर दी थ्री थिंग्स यू सी, आर दे इंडस्ट्री और खाली PhD वो लगा के उससे कोई मतलब नहीं होता है. जी जी जी, ये कास्ट करके MBA एजुकेशन में इंडस्ट्री ओरिएंटेशन एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शन एंड इंडस्ट्री कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जी, तो द फैकल्टी हैज टू मिंगल विद द इंडस्ट्री और फ्रॉम द इंडस्ट्री और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, देन दे कैन ट्रांसफर रियल लाइफ इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट. जो हो रहा है, जो काम करना है, जो प्रॉब्लम दिन ब दिन ये इंडस्ट्री वाले को फेस करते हैं, वो क्लासरूम में आता है, स्टूडेंट लर्न एंड देन ही गोज बैक टू द इंडस्ट्री. जी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द फैकल्टी, व्हाट इज देयर वर्क, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन, दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट. जी, लास्टली यू कैन ऑल्सो हैड वन पॉइंट इज डोंट गो फॉर अ डे स्कॉलर बेस्ड एजुकेशन इन MBA और PGD. इट हैज टू बी रेजिडेंशियल प्रोग्राम. जी 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 जी, रेजिडेंशियल इसलिए कि ये इसका जो खूबी वही है, रेजिडेंशियल में ही लर्निंग वो ज्यादा होता है. जी जी, घर आके जाके वो स्कूल तक हो गया, डिग्री तक कर दिए, कोई बात नहीं. जी जी, ओके, आई एम नॉट सेइंग डिग्री वाले रेजिडेंशियल नॉट रिक्वायर्ड, PGD स्पेशली मैनेजमेंट एजुकेशन. जी जी, दुनिया में भी पूरा जो भी नंबर वन इंस्टीट्यूट आप बोलो ये इंस्टीट्यूट है, वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है. जी जी, वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम में करे तो उसका सीखने का ढंग अच्छा रहता है, काफी चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है. जी जी, कॉलेज में द चेंज यू विल बी एबल टू नोटिस. सो लास्ट थिंग यू कैन ऑल्सो कंसिडर इज वॉट इज इज इट अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, देन गो फॉर इट. जी, सो दीज आर द वेज यू शुड सेलेक्ट. जी, डॉक्टर मोहन जी, किस किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट की फील्ड में मिलता है मेनली? अभी क्या हो गया, अभी क्या है, आप ये देखो, नॉर्मली मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन आर 4 एरिया. जी, 4. एक फर्स्ट वाला मार्केटिंग आता है. जी, दूसरा फाइनेंस आता है, तीसरा ऑपरेशन आता है. जी, चौथा HR आता है, ह्यूमन रिसोर्स. जी जी, देर आर 4 डिपार्टमेंट्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो देर आर स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, जी, फाइनेंस, HR. आज के दिन में क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज भी आ गए, थोड़ा स्पेशलाइजेशन में, जैसे एनालिटिक्स है. जी जी, बट एनालिटिक्स और जो भी उसके IT रिलेटेड सब्जेक्ट्स में मैनेजमेंट में प्लेस लिया है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. जी, ओके, तो वो भी है. सो स्पेशलाइजेशन के तौर पे आप एनालिटिक्स भी कर सकते हैं, थोड़ा एडिशनल. नॉर्मली क्या करते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन में, कॉमन सब्जेक्ट्स बोल के सभी सिखाते हैं और थोड़ा ज्यादा लर्निंग करने का स्पेशलाइजेशन होते हैं. जी, इसमें क्या है, काफी बी स्कूल सिंगल स्पेशलाइजेशन कोई नहीं करते. जी जी, दे ऑलवेज गिव ड्यूअल स्पेशलाइजेशन. ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में समटाइम्स दे विल ऑल्सो हैव इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्पेशलाइजेशन. जी,
इंडस्ट्री ओरिएंटेड, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में क्या है, जो IRDA से ताल्लुकात है, जी, जो उनका प्रमोटर है, उन लोग क्या करते, उन लोग बोले हम ज्यादातर इंश्योरेंस डोमेन वाले कंपनीज को हेल्प करना चाहते हैं विथ ह्यूमन रिसोर्स, तो अब यू गिव इंश्योरेंस एज ए स्पेशलाइजेशन अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग फाइनेंस HR और इंश्योरेंस इज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन. अनदर एरिया विच इज बिकमिंग एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज रिस्क मैनेजमेंट. जी ओके टू अनदर, सो वो और एक जगह स्पेशलाइजेशन हो गया. सो आप इस तरह से देखेंगे जो रिस्क मैनेजमेंट इज अ फ्यूचर सब्जेक्ट. जी अभी सभी, अभी कोविड आ गया, पूरा रिस्क हो गया सभी का, बिजनेस रिस्क ये वो इज कंटिन्यूटी. जी तो उसका वो कैसा उसको फेस करना, क्या स्ट्रेटेजी बनाना, ये पूरा उसमें सिखाते हैं. जी तो वो दैट इज अनदर एरिया स्पेशल. तो नॉर्मली ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, नो ये स्पेशलाइजेशन के दो चीज सभी को एक दुविधा होगी. जी सम डाउट्स या डायलमा होता है. जी वो बीकॉम करने वाले सोचेगा दे इधर क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन लिए तो जॉब अच्छा मिलता है, इज व्हाट यू नीड टू सी फर्स्ट लेवल. जी जी सेकंड लेवल इज व्हाट इज दैट विच इज इंटरेस्टिंग यू आल्सो, आपका मन किधर लगता है उधर वो भी एक बार देखने का. जी जी सभी लोग को सभी सब्जेक्ट पसंद होने का जरूरत नहीं है. ओके सम थोड़ा ये उनका कोई खुद का ख्याल रहता है, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा, बट मेनली क्या करना है, जिससे आप इजीली, जिस वजह से आप MBA करें उसका वजह जो नौकरी आसानी से पा करके आगे बढ़ने का, वो कॉम्बिनेशन लेना चाहिए. जी 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 स्पेशलाइजेशन. बाकी अभी जो चलता है, मैं तीन सब्जेक्ट बोल दूंगा वही चलता है. एक मार्केटिंग एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन है. मार्केटिंग जी ओके मार्केटिंग. नेक्स्ट अभी क्या है, थोड़ा अभी रिस्क मैनेजमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है कंपनीज का. जी 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 ओके रिस्क मैनेजमेंट. सो मार्केटिंग रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, ये कॉम्बिनेशन में जो भी लियो एक स्पेशलाइजेशन है तो आपको इजीली आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. जी, जी बाकी जी. लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा बोल के नहीं, अंतर इसमें आएगा. जो मार्केटिंग करा उसको 10 लाख देने के लिए तैयार रहता है, जो फाइनेंस करा उसको 6 लाख के बाद बात करते हैं, जो HR किया उसको 4 लाख बात करते हैं. जी जी वैसा स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन में ज्यादा मिलता, कॉमन इंस्टीट्यूट में बहुत कम मिलता है. जी 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 वो डॉक्टर मोहन जी, इस कोरोना काल में जिन्हें इस वर्ष प्रवेश लेना है या जिनका फर्स्ट या सेकंड ईयर है, उन लोगों की पढ़ाई किस तरह से मैनेज हो रही है, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें हैं, लॉकडाउन हुआ, अनलॉक चल रहा है, कॉलेजेस बंद हैं, तो क्या किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बेसिकली क्या है, ये अनलॉक लॉकडाउन के हिसाब से एक चीज बाहर निकल के आके और ये परमानेंट व्यवस्था हो सकती है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस के जो है ना वो परमानेंट हिसाब से एक हिस्सा बन जाएगी. जी जी ऑफ डिलीवरी मैकेनिज्म, डिलीवरी मैकेनिज्म बोले तो जो पढ़ाने का तरीका, जी वो परमानेंट है, मगर ऑनलाइन ही परमानेंट नहीं है. जी. आपको फेस टू फेस पढ़ना पड़ेगा. जी जी कोई दुविधा नहीं है, नो टू वर्ड्स अबाउट इट. जी जी लर्निंग जो पढ़ाई का जो मेथड है जी. वो फेस टू फेस है. जितना भी वीडियो देखो, जितना भी टीवी देखो, जो भी देखो, दिमाग में जितना कमी जाता है ज्यादा नहीं जाएगा. जी, जी. सामने अगर उपाध्याय आपके सामने टीचर या प्रोफेसर हो, वो जाने का अंदर, वो दिमाग में जाने का चीज दूसरा है. जी, उसमें जी. कोई दूसरी बात नहीं है. तो आज के दिन इन लोगों को क्या करना है, स्पेशली PG एजुकेशन ऑनलाइन इज नॉट ए बैड मेथड, मगर ये आजकल सभी को ऑनलाइन लगा दिया है, लाइक KG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पीपल, इट्स नॉट इजी डिफिकल्ट. तो जी. वो प्रॉब्लम हो गया, मगर ठीक है छोड़ दीजिए. वो MBA एजुकेशन में PGDM में ऑनलाइन में थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिलेगा. जी. क्योंकि काफी तरह इंटरेक्शन रहती है, इंटरेक्शन बात करने का ये ज्यादा होता है, उसकी वजह से लर्निंग रहता है थोड़ा बहुत. फेस टू फेस इज द मेथड. अभी जो भी अभी फर्स्ट ईयर वाले जो ज्वाइन होने का है, गवर्नमेंट वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में बोल रहा है, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में ज्वाइन आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई डिले ना करें. जी, बाकी जी, के जब होता कोई अगर एडमिशन लेना चाहे तो कोई अच्छा सा कॉलेज आपने सेलेक्ट किया तो अगर उनका जो भी है वो सेलेक्ट करके आगे कब स्टार्ट होता है के लिए कोशिश करें. अगर ऑलरेडी सेकेंड ईयर पे है, कॉलेज क्या कर रहा है वो देखो, कॉलेज से पूछताछ करो ऑनलाइन या ऑफलाइन में कैसा करते हैं, असाइनमेंट क्या दे रहे, कैसा काम करना. जी उनसे स्टूडेंट इंटरेस्ट ही देखिए. एक चीज जो है, अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट ज्यादा बताए तो कोई भी इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो पीछे नहीं जाएगा, वो भी आगे आके उनको मदद करने के लिए ही आएगा. जी अगर स्टूडेंट अरे अभी मेरे को लॉकडाउन है, मैं घर में सो जा सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, वो सो गया तो इंस्टीट्यूट भी सो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल सही.
वो क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता हूँ कि स्टूडेंट का भी है. ये लॉकडाउन पीरियड और अनलॉकडाउन पीरियड जो भी हो रहा है, उन लोग ऐसा ना कहो कुछ मेरे को कल क्या होता मुझे कुछ ना पता बोल के बैठने का चीज नहीं है. आप भी कुछ ना कुछ करना, यू हैव टू बी द चेंज एजेंट ना. आप कुछ चेंज करने के लिए आप कोशिश करो, चेंज आएगा. आप चुप बैठ गए तो कुछ. सो ये पीरियड में ऑनलाइन में दे तो ले लो, आस्क फॉर मोर वर्क और सम असाइनमेंट और एनीथिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट में. पेपर कुछ लिखो या पढ़ो या दूसरी स्टूडेंट से जुड़ के कुछ पढ़ने का कुछ करके इंस्टीट्यूट के साथ करो, आ जाएगा. तो ये करना है पूरे लोग का क्या होता नहीं. और ये वेरी सिंपल, ये कोविड जो भी ये लॉकडाउन का जो माहौल है, एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ्स. दैट्स द सिंपल रूल. नोबडी इज टेक केयर, इंस्टीट्यूट कांट टेक केयर ऑफ एनीबडी. दे विल गिव एन एनवायरमेंट ऑफ गुड, देन दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट. सो ये करना पड़ेगा. जी डॉक्टर मोहन, जिन लोगों की इंटर्नशिप इस बार होनी है और जिन लोगों का प्लेसमेंट होना है उसको लेकर भी स्टूडेंट्स निश्चित रूप से चिंतित होंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये बार क्या हो गया, और एक चीज मैं बोलता हूँ, पूरा इंस्टीट्यूट पूरे इंटर्नशिप के लिए कोशिश नहीं करते हैं. हमारा इंस्टीट्यूट भी इंटर्नशिप के लिए, हमारे को पूरा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप आ गया था, मगर एक कोविड की वजह से कोई कंपनी ना ले सके. उनका ही 33-20% में स्टाफ है नए वाले को लेने का. ऊपर उसके अलावा ये जो मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, कोई प्लेन नहीं है, ट्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो उसकी वजह से पूरा ऑनलाइन का ट्रेनिंग के हिसाब से ऑनलाइन में जो जिसको भी मौका मिला वो किया इंटर्नशिप. जी जी. तो इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है वो प्लेसमेंट, वो उनको भी पता है कि ये माहौल कभी सोचने वाली नहीं थी. तो उसके लिए ये उनको भी वो फैक्टर करना पड़ेगा कि ठीक है इंटर्नशिप में वो आप क्या करें, वो टाइम कैसा यूज करें. दैट इज व्हाट दे विल. ऐसा इंटर्नशिप आया और हमने ये काम किया, हाँ बस ये अच्छा चीज है. तो दे आर इन फॉर सच स्टूडेंट्स हु हैव मेड एन एफर्ट. ओके. सेकंड प्लेसमेंट. प्लेसमेंट में क्या होता, अभी डिमांड फॉर बेटर स्किल्स आर रिक्वायर्ड. That is the thing. अभी ऑर्डर ऑफ द डे क्या हो गया, पूरे कंपनियां क्या कर ले रहे, प्लेसमेंट ये कोविड 4 महीना बंद कर दिया अपन, हमारा काम कर जा. तो उसको अमन दुगना श्रम करके, ज्यादा वर्क करके उसको निभाना है. गैप जो आता है और जो नष्ट जो आता है उसके उसके लिए क्या करना है, एक काम से नहीं होता, एक आदमी 2-3 काम करना पड़ेगा. जी जी. तो उसके लिए स्किल सेट्स बढ़ाना पड़ेगा. काम करने का जो तरीका है, मेरे को काली यही आता, दूसरा कुछ नहीं करता. जी जी जी. मैं गाड़ी चलाता हूँ काली, वो भी ये वो सिटी कार, बाकी कोई भी कार दो मैं नहीं चल रहा. नहीं वैसा नहीं, कार नहीं, लॉरी, कम से कम हेलीकॉप्टर आए तो भी अच्छा है, वैसा का सोच आएगा. जी जी. चलाने का, चलने का है, बैठने का नहीं है. सो एडिशनल स्किल सेट यू हैव टू फोर्टिफाई, यू हैव टू इम्प्रूव दो स्किल सेट. बेसिकली यू शुड इम्प्रूव योर क्वांटिटेटिव स्किल सेट, कम्युनिकेशन स्किल्स, देन ऑल्सो योर एनालिटिकल स्किल्स. जी जी. ये तीन दे आर ऑल लुकिंग एट दैट. सो वंस यू इम्प्रूव ऑन दैट, एवरीबडी विल गेट प्लेसमेंट. वाह. मतलब छात्रों को अपने को और ज्यादा मजबूती के साथ तैयार करना होगा, ताकि जो इस तरह का माहौल है उसमें भी वो प्लेसमेंट हासिल कर सकें, अच्छा जॉब उन्हें मिल सके. यस यस, इट इज पॉसिबल सर. सी कॉम्प्लेसेंसी इज द प्रॉब्लम. जी. कुछ है चलता ठीक है जिंदगी, ये बात अच्छी रहती फिलोसफी 70 साल में. जी. ओके. जी ठीक है, जिंदगी पूरा देख लिया, अभी क्या है, वो ठीक है चलता है नहीं. ऐसा वो वाला छात्र कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता है. ठीक. ओके. तो उसके लिए आप ये करना कहे, मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या मेरे कमी क्या है. आगे के दिन इतना टफ हो रहे हैं, जॉब्स कम होते हैं, कंपनी का उनका ही वो ठिकाना ठीक नहीं है, दूसरे को कैसा लेंगे, कंपटीशन भी ज्यादा रहता है ना. जी, 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 एक ही जॉब के लिए 10 लोग के बदले में पिछले साल 10 लोग देखते थे, अभी 40 लोग देखते हैं. जी, एक ही जॉब के लिए. जी, तो आप उससे आगे तो होना चाहिए सिलेक्शन के लिए. जी जी जी. तो उसी के लिए तो भी एडिशनल स्किल सेट्स आप पिकअप करने का है. बिल्कुल. दैट्स वेरी एसेंशियल. बिल्कुल. मतलब कहीं भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, रुकना नहीं है. वो गीत है ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के. तो निश्चित रूप से आपको भले ही कांटों भरी राह है, लेकिन आप चलते जाइए, आप अपनी योग्यता बढ़ाइए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी. डॉक्टर मोहन सर, COVID-19 के कारण कॉलेजेस भी बंद हैं, तो जो प्रोफेसर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच संवाद ऑनलाइन होना ही चाहिए. तो क्या इस तरह जब भी स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है तो जो प्रोफेसर्स हैं वो मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं? हाँ,
तैयार रहते हैं। कोई अभी अभी सभी आज सर हमारा इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैं बोलता हूँ, काफी लोग देखो पहले क्या है, समर हॉलीडेज थे तो एक अच्छा चीज हो गई सबकी, अप्रैल में सब बंद, तो कोई जिस जिसने नॉर्मली इंटर्नशिप करते हैं वो तो उन लोग को वो नहीं हुआ, मगर जून के बाद क्या हो गया, कॉलेज खुलने का टाइम है तो सभी हमारे इंस्टीट्यूट में एवरी प्रोफेसर सभी कनेक्ट है, हमारा समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से हो गई और बाहर की तरफ से कोथोड़ी कंपनी के साथ भी हो गया था और रिपोर्ट्स रहते हैं और रिपोर्ट्स का जो रिगर जो लगाते हैं उसके हिसाब से इंटरेक्शन भी बढ़ती है और छात्र को अच्छा सीखने का भी मौका मिलता है। तो नोबडी हेजिटेट, एक चीज मैं बोल सकता हूँ साहब आपको, जो टीचर है, टीचर है, प्रोफेसर की बात बाजू लगाओ, टीचर है वो कोई भी छात्र सामने आके सर मेरे को ये बोले बोले तो वो भागेगा नहीं, वो आगे आगे ही आएगा। एनी गुड टीचर इज दैट, सो व्हाट इज लैकिंग, समटाइम टीचर टेक्स द इनिशिएटिव बट स्टूडेंट डजंट रेस्पॉन्ड। ओके, बट इफ द स्टूडेंट टेक्स द इनिशिएटिव टीचर विल ऑलवेज रेस्पॉन्ड। निश्चित निश्चित, दिस इज द थिंग। सो देयरफॉर अभी मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी ही सीरियस अबाउट हिमसेल्फ, खुद के लिए काफी सीरियस है, कुछ प्रूव करना चाहता है, पेरेंट्स को कुछ करना चाहता है, जो भी चाहता है, जो भी है, वो यू एंड कैच द फैकल्टी, जो प्रोफेसर को पकड़ो, उनसे सीखो, उनसे पकड़ो, उनको जो भी नया चीज दो बार जाके पूछो, आपको जितना तसल्ली हुई पूरा मैं सीख लिया तक पूछते रहो और हर एक प्रोफेसर जो भी है वो बोलेगा कभी भी, बिल्कुल विल रिस्पॉन्ड ऑलवेज। जी जी, द ओनस इज ऑन द स्टूडेंट, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जी जी जी, डॉक्टर वीवीके मोहन जी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी बातचीत आपके साथ हुई और हमें लगता है कि हमारे श्रोता जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, उन्हें इसका फायदा होगा। अंत में आप जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे लिसनर्स हैं उनसे आप इस कोरोना काल में क्या कहना चाहेंगे? ये कोरोना काल में फर्स्ट एक ही एक बार सबको बोलना, डरना नहीं है। जी, फर्स्ट थिंग, वन शुड नॉट बी फियर अबाउट कोरोना। जी, लेट्स एक्सेप्ट कोरोना। कोरोना एक ऐसी हो गया कि ये है हमारे साथ। जी, उसके साथ सहजीवन कैसा कर सकते हैं वो सोचने का है। जी जी, और वो अपन, कोरोना एक छोटा वायरस है, वो अपन को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। जी जी, मगर हम ह्यूमन बीइंग्स है, आदमी है, सोच विचार है और इंटेलिजेंट भी है। जी, है ना, तो एवरी वन शुड थिंक हाउ टू बीट कोरोना रादर देन सकम्ब टू कोरोना। जी 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 जी, दैट इज वॉट इज इम्पोर्टेंट। उसकी से अपन डरने का नहीं है। जी, काफी लोग जो सेफ्टी मेजर्स बोले वो पूरा प्रैक्टिस करो। जी, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब भी वो डोंट लोअर योर गार्ड बोलते, वो डोंट लोअर योर गार्ड बोले तो अब सब ठीक है बोल के आराम से मत रहो, सीरियसली रहो बोल के चेतावनी दी है। जी जी, तो वो हिसाब से ठहरना, एंड इट इज पॉसिबल टू ओवरकम कोरोना विथ वेरी सिंपल मेजर्स। ओके, विथ वेरी सिंपल टेक्निक, डोंट हैव टू सकम टू इट। जी, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश योर एंड विथ बी सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट, वेयर मास्क एंड डू योर वर्क। जी जी, सबसे फोकस ऑन योर वर्क, डोंट गिव एक्सक्यूज। जी, तो हमारे साथ थे श्रोताओं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो IRDA और तेलंगाना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, IIRM हैदराबाद के प्रिंसिपल डॉक्टर VVK मोहन हमारे साथ थे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चा आपसे हुई। आकाशवाणी वाराणसी और विविध भारती FM वाराणसी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।